अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आपके सामने गेम है इसको सभी जानते हैं और इसी गेम को लेकर के मैं बहुत ही ज़्यादा हैरत करने वाली एक हकीकत का इंकशाफ करने वाला हूँ कि जिसको सुनकर के आप लोग हैरान हो जाएं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सिर्फ बड़े लोग ही देखें जो समझदार और बालिग लोग हैं, ख़ासतौर से माँ बाप इस वीडियो को देखें और उन माँ बाप तक भी पहनाएं। बच्चों को ये वीडियो ना दिखाएं क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें जो वाकई मतलब बड़े लोगों के लायक है, बच्चों के लायक है भी नहीं। देखें ये जो गेम आपके सामने, अभी मैंने इसका फ़ोटो लगाया, सब सर पर इसका नाम है। ये गेम आपके बच्चों की मेंटालिटी, आपके बच्चों के दिमाग को गंदा और फहश करने वाला है। यानी आपके बच्चों को बिल्कुल गंदा और कहें छिछोरा और हिंदी में कहें अश्लील बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में आपको बता भी नहीं। देखिए मैं बताऊँ इसको कैसे। एक झंडा, पहले आप इस झंडे को देखें, बल्कि ये जितने भी झंडे नज़र आ रहे हैं इन झंडों को आप पहचान लें अच्छे से कि ये झंडे जो हैं ये खतरे की घंटी। ये झंडे हैं LGBTQ कम्युनिटी के। LGBTQ कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी है? ये वो लोग हैं जो कौमे लूत वाला अमल करते हैं और उसी अमल को ये लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, फैलाते हैं। कौमे लूत वाला अमल सभी जानते हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में ये अमल फैल गया था कि मर्द जो है वो मर्दों से अपनी ज़रूरत पूरी किया करते थे और औरतें जो हैं वो औरतों से अपनी ज़रूरत पूरी किया करते, और ये दोनों ही चीज़ें मज़हब इस्लाम में हराम। बच्चों को जिन बोर्डों पर लिख करके ABCD पढ़ाया जाता है, अलिफ बा तासा और छोटा बड़ा पढ़ाया जाता है, उन बोर्डों पर बाकायदा इस झंडे को लगा करके और ये बात कही जा रही है कि बेटा तुम भी ऐसे बनो, यानी तुम लड़के हो ना तो तुम लड़के से दोस्ती करो और तुम लोग आपस में वो ताल्लुकात कायम करो, और बाकायदा वो झंडे लगाए जा रहे हैं। यहीं पर बस नहीं बल्कि यूरोपीय ममालिक में ट्रेनों की ट्रेन है, पूरी ट्रेन पर इस झंडे को बतवाया जा रहा है। और खुद आपके सामने ये जो गेम मैंने आपके सामने जिक्र किया, ये गेम भी इसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है और बहुत तेजी से सपोर्ट कर रहा है। ये देखें आपके सामने वीडियो है, आप इस गेम को जब खेलो तो आस पास में झंडा नज़र आ रहा है, ये झंडा नज़र आप गौर से देखो, जगह जगह झंडे नज़र आ रहे हैं। ये झंडा वही है LGBTQ कम्युनिटी का है, जिसमें 5-6 तरह के रंग होते हैं अलग अलग तरह के, लाल नीला हरा वगैरह। तो ये उसी की अलामत है कि भाई ये हमारा झंडा है। जैसे बोल के हिंदुस्तान का झंडा अलग है, अलग अलग मुल्कों के अलग अलग झंडे हुआ करते हैं, अलग अलग पार्टियों के झंडे हुआ करते हैं, अलग अलग जातों के झंडे होते हैं, ऐसे ही इस कम्युनिटी का एक अलग झंडा है जिसको ये जगह जगह पर फैलाते हैं और जहाँ कहीं हो वहाँ पर इसको चस्पा कर देते हैं। तो बच्चों में बहुत तेजी से इसको फैलाया जा रहा है और उसी का एक हिस्सा ये सबवे सफ़र गेम भी। और ये सिर्फ ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैंने कहीं से देखा इसको, बाकायदा मैंने इस गेम को जब खोला, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था तो मैंने अपने ही रिलेटिव का मोबाइल खोला तो उसमें ये गेम था, बट वैसे ही मैंने कहा कि टाइम पास करने को छोड़ते हैं नहीं। तो जैसे ही उसको जब देखा मैंने तो मैं हैरत में पड़ गया। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस ये इल्म में पहले ही से था कि ये झंडे उन लोगों की, जब देखा तो बहुत तेजी से। और तो और अगर आपको ये लगे कि यार ये तो कोई इंसिडेंट है, वैसे ही झंडा लग गया होगा शायद, पता भी नहीं होगा, तो पक्का करने के लिए, बात को पक्का करने के लिए मैं सबवे सर्वर के एक्स हैंडल पर, यानी जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, ट्विटर हैंडल पर गया। तो इन्होंने जगह जगह पर जून के महीने में, और बल्कि जून के महीने के बाद, जून का महीना इन लोगों का खास प्राइड मंथ कहलाता है, यानी एक फ़ख्र का महीना कहा जाता है। प्राइड लफ्ज़ को भी ये बहुत ज़्यादा आम करते हैं, वो प्राइड का माने फ़ख्र, लोग इनको बदनाम करते हैं, ये उल्टा उनके खिलाफ कहते हैं हम लोग बड़े फ़ख्र से जीते, बहुत फ़ख्र से, प्राइड का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए जून के महीने को ये लोग प्राइड मंथ कहते हैं। तो जून के महीने में भी महीने में ही इन्होंने ये अपडेट निकाला और उसमें जगह जगह झंडे लगा दिए। और अब इन लोगों की इतनी ख़राब आदत हो गई है कि हर बार कुछ दिनों बाद ये कोई ना कोई ट्वीट ऐसा करते रहते हैं। ये आपके सामने ट्वीट, और जिस तरीके से इनमें कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम जैक है, तो उसमें एक कैरेक्टर भी लाए जिसका नाम था प्राइड जैक। ऐसे ही मुस्तकिल ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं कि जिनके पीछे एक कलर और जिनके चेहरों पर ये कलर पूरे के पूरे झंडे पुते हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी उसी की तरफ इशारा है, पूरा उसी की तरफ इशारा है, और आपके बच्चों को बाकायदा फैलाया जा रहा है। ये जो वीडियो है आपके सामने, इस वीडियो को देखो, इस वीडियो में ये इंग्लिश में अल्फाज लिखे हुए आ रहा है। पूरी एक स्टोरी बनी हुई है कि मैं स्कूल में गया तो मैंने अपने आप को ये बताया कि मैं ये हूँ, यानी LGBTQ सपोर्टर हूँ, मैं वही हूँ, गे हूँ या लेस्बियन हूँ। तो बच्चों ने मुझे चढ़ाना शुरू कर दिया, मेरा मजाक उड़ाने लगे, सर से बात कह दी गई टीचर से, टीचर ने मुझे घर पर भगा दिया। घर पर गया तो घर पर मैंने ये बात लोग घर पर रखी अम्मा अब्बा के सामने, पेरेंट्स के सामने, तो पेरेंट्स भी हंस रहे थे और वगैरह वगैरह। ऐसी पूरी एक स्टोरी आपके सामने आ रही है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके बाद में या वीडियो को आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो बराए करम हमारा आपसे गुजारिश यही है
के इस अमल से और इस गेम से अपने बच्चों को बचाएं, इसी वक्त में इसको अनइंस्टॉल कर दें, ख़त्म कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें, चैन भी ना करें। अल्लाह ताला का फरमान है कौम लूत के बारे में, लूत अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने लूत को भेजा कि जिन्होंने अपनी कौम से को समझाया, उनसे कहा अदातुल अल्फाहिशा मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिन अलआलमीन, क्या तुम वो गंदा काम कर रहे हो, ये मर्द मर्दों वाला और औरतों वाला, तुम इतना गंदा काम कर रहे हो कि तुमसे पहले कभी किसी कौम ने नहीं किया, इतना गंदा काम, तुम लोग हद तजावज़ ही करने वाले। दूसरी जगह इरशाद है कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए पैदा की है, यानी मर्दों के लिए औरतें, औरतों के लिए मर्द पैदा किए, इनसे शादी करो, इनसे ज़रूरतें पूरा करो, तो उनको छोड़ करके वो काम कर रहे हो जिसको अल्लाह ताला ने मना फरमाया। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लानत है ऐसे बंदे पर, ऐसे शख्स पर, ऐसे मर्द पर, ऐसे औरत पर जो कौम लूत वाला अमल करे। और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में शेयर।